Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, today I am going to teach you about the choice and preference. Pasand or napasand. Pasandgi or napasandgi wale sentences ko hum English mein kaise bolte hain. वैसे तो बहुत ही सिंपल है, जैसे मुझे दूध पसंद है, मुझे सेब पसंद है, तो अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से बनाएंगे तो बिल्कुल ही एक ही सेंटेंस बनेगा कि आई लाइक मिल्क, आई लाइक एप्पल. बट इसको हम और भी कई तरीके से बोलते हैं जो ज़्यादातर लोग, इंग्लिश जानने वाले लोग, इंग्लिश बोलने वाले लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं. हम उन सेंटेंसेस के बारे में आज जानेंगे जो इन जो अभी मैंने सेंटेंस बोला इसके अलावे भी और क्या क्या हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, मैंने लिख के रखा हुआ है ये सेंटेंस, चॉइस एंड प्रिफरेंस. वह दूध पसंद करती है. वह दूध पसंद करती है, तो वह दूध पसंद करती है मतलब शी लाइक्स मिल्क. बहुत ही सिंपल है बोलना. बट हम और भी इसको कई तरह से हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो वही चीज हम आज सीखने वाले हैं. ठीक है फ्रेंड्स, वह दूध पसंद करती है, अगर सिंपली तरीके से आप बोलते हैं तो शी लाइक्स मिल्क. बट इसको हम और भी कई तरीके से बोलते हैं, जैसे शी हैज अ लाइकिंग फॉर मिल्क. दूसरा तरीका, she has a taste for milk. तीसरा तरीका, she is fond of milk. चौथा तरीका है, she has a weakness for milk. अभी आप ये सोचेंगे या ये बोलेंगे, मन में ये सवाल उठेगा आपके कि she likes milk हम बोल ही सकते हैं, फिर इतने सारे सेंटेंस याद करने से क्या फायदा. तो फ्रेंड्स, जरूरी है, ये जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश बोलने वाले ज़्यादातर लोग कोई ये सेंटेंस भी यूज करता है, कोई ये भी यूज करता है, कोई ये भी यूज करता है, कोई ये भी यूज करता है, इस सेंटेंस को भी यूज करता है. तो कौन किस सेंटेंस को यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा बोलते वक्त, ये हमें नहीं पता होता. अगर हम सिर्फ इतना ही जानेंगे कि सी लाइक्स मिल्क और दूसरे सेंटेंस के बारे में नहीं जानेंगे, तो हमें समझ में नहीं आएगा जल्दी से, या मुश्किल होगी समझना. ठीक है ना फ्रेंड्स, इसलिए इसको जानना जरूरी है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है. बहुत ही सिंपल है, आप एक बार सिर्फ ध्यान से एक बार सेंटेंस को पढ़ते जाओ. शी हैज अ लाइकिंग फॉर मिल्क मतलब वो दूध पसंद करती है. शी हैज अ टेस्ट फॉर मिल्क, इसका भी मतलब वह दूध पसंद करती है. शी इज फॉन्ड ऑफ मिल्क, इसका मतलब भी वह दूध पसंद करती है. शी हैज अ वीकनेस फॉर मिल्क. ओके फ्रेंड्स, अब इसी तरह का एक हम और उदाहरण लेते हैं. मुझे इस प्रकार की पोशाक अच्छी लगती है, तो मुझे इस प्रकार की पोशाक अच्छी लगती है, सेम सेंटेंस है, तो इसको भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि आई लाइक दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस. आई लाइक दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस. अब हम इन तरीकों से बनाना शुरू करेंगे इसको. तो ये कैसे बनेगा कि मुझे इस प्रकार की पोशाक अच्छी लगती है, तो आई हैव अ लाइकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस. दूसरा, आई हैव अ टेस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस. तीसरा, आई एम फॉन्ड ऑफ दिस टाइप ऑफ ड्रेसेस. चौथा, आई हैव अ वीकनेस फॉर दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस. ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कई तरीके से हम बोल सकते हैं, इंग्लिश में व्यक्त कर सकते हैं. जैसे हम हिंदी में भी कई तरीके से बोलते हैं ना कि मुझे दूध अच्छा लगता है, मैं दूध पसंद करता हूँ, मुझे मेरा दूध प्रिय है, ऐसा हम कई तरीके से हिंदी में बोलते हैं. उसी तरह से हम इंग्लिश में भी कई तरीकों से व्यक्त करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, अभी अब इस सेंटेंस को लीजिए आप. उसे संगीत का शौक है. अगर हम शौक की बात करेंगे, शौक, तो सिर्फ शौक की अगर बात करते हैं तो हम इस तरीके इन चारों तरीके से नहीं बनाएंगे, बल्कि हम उसमें सिर्फ फॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे. सिर्फ ये वाला सी इज फॉन्ड ऑफ मिल्क है, इसी सेंटेंस का हम इस्तेमाल करेंगे. तो जैसे उसे संगीत का शौक है, तो ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. दूसरा है, मुझे नयापन का शौक है, तो आई एम
fond of novelty. आगे है उसे आधुनिकता का शौक है तो he is fond of modernity. Okay friends, तो ये choice और preference वाले sentences है जिसमें हम पसंदगी वाले sentences को और भी कई तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं. ये चीज मैंने आपको बताया इस क्लास में. अभी पसंदगी ना पसंदगी वाले sentences का आगे भी हम वीडियो बनाएंगे. एक ही क्लास में सब कुछ पढ़ा देने से अच्छा नहीं होता है, समझने में प्रॉब्लम हो जाता है, फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि ये किस में वो कुछ में, ये ऐसा सेंटेंस था किस तरह का था. मिस थोड़ा खाओ लेकिन चबा चबा कर खाओ, यही सिद्धांत रखो फ्रेंड्स. थोड़ा सीखो लेकिन अच्छी तरह से समझ के सीखो तो वो काम आता है और वो ज़्यादा दिनों तक याद रहता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद.